हरी हरी बोल एवरीवन। मैं रितेश महाजन चंबा हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। गोलक एक्सप्रेस के साथ जुड़े हुए मुझे लगभग 2 साल हो गए हैं और श्री हरि की कृपा से आज मैं आप सबके साथ अपना एक डिवाइन एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ। तो पिछले 3 महीनों से हम सब लॉकडाउन के दौर से गुजर रहे हैं। तो ये बात है 2 महीने पहले की, यानी April 1st week मंगलवार था। उस दिन मैं अपने बेटे राहिल के साथ मार्केट जा रहा था। रास्ते में एक मंदिर पड़ता है, श्री सीताराम चंद्र जी का मंदिर। उस मंदिर का नाम सीताबाड़ी मंदिर है। मैंने वहाँ पे माथा टेका और यूं ही मेरे मन में भाव आ गया। समझ लीजिए मैं प्रभु श्री राम जी से बात करने लग पड़ा कि प्रभु जी, ये कैसी व्यवस्था बना रखी है आपने। धूप अगरबत्ती तो बहुत दूर की बात है, हम लोग ढंग से माथा भी नहीं टेक पा रहे हैं, दर्शन भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उस वक्त भी मैं मंदिर के बाहर ही खड़ा हुआ था। मेन गेट बंद था मंदिर का और इतना कहकर के मैं वहां से चला गया। तो मार्केट से जब मैं वापस आ रहा था तो हमारे श्री राम लीला क्लब चंबा के प्रधान है धीरज महाजन जी, उन्होंने मुझे आवाज लगाई और मैं रुक गया। वो मेरे पास आए और कहा, रितेश जी, ये सीताबाड़ी मंदिर की चाबी है। लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, पंडित जी दूर से आते हैं, वो नहीं आ पा रहे हैं। आपका घर मंदिर के पास में ही है तो आपको 2 टाइम मंदिर में जाकर जोत जलानी है, धूप जलाना है और आरती करनी है। फ्रेंड्स, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आधा घंटा पहले मैं प्रभु श्री राम जी के साथ अपने मन की बात करके आया था और इतनी जल्दी उन्होंने मेरे मन की बात मान ली, मैं बहुत हैरान था। ऑब्वियसली मैं खुश भी बहुत हुआ उस वक़्त और मैं जल्दी जल्दी से घर वापस आया। घर वालों को मैंने सारी बात बताई, सभी लोग बहुत खुश हुए और सेम डे शाम को मैं मंदिर आया। सबसे पहले मैंने साफ सफाई की, जोत जलाई, धूप जलाया, प्रभु जी को भोग लगाया और आरती करी मैंने। तो 2 महीने हो गए हैं फ्रेंड्स, ये सेवा लगातार जारी है और मुझे इस सेवा करने का बहुत आनंद आ रहा है। ये एक मेरा छोटा सा डिवाइन एक्सपीरियंस था, इनफैक्ट है। लास्ट में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर हम भक्ति के मार्ग पर अच्छे से चलते हैं, प्रभु जी के ऊपर अपना दृढ़ विश्वास बनाकर रखते हैं, तो प्रभु जी की कृपा हमारे ऊपर अवश्य होती है। तो ना शस्त्र पर, ना शास्त्र पर, ना ही धन पर और ना ही किसी युक्ति पर मेरा तो जीवन आश्रित है, हे प्रभु, केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल।